हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं भोजमुक्त विश्वविद्यालय ओपन बुक एग्जाम 2021 बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकंड पेपर का सलूशन तैयारी जीत चैनल पर। सभी डाउट का हल फ्री में पाएँ इस चैनल पर बिना किसी चार्ज के। मैथ के आप शॉर्ट ट्रिक्स पूछ सकते हैं कॉम्पिटिशन के, तो उनका सभी का सलूशन आपको मिलेगा। तो आप इस पेपर में देखने वाले हैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकंड पेपर का सलूशन। तो क्वेश्चन पेपर आप मिला लीजिए पहले, यही है क्वेश्चन पेपर, तो ही सलूशन देखें, वरना यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं। तो पहला है हमारा कोशिका सिद्धांत को समझाइए। तो कोशिका सिद्धांत को देखते हैं फ्रेंड। तो ये रहा हमारा कोशिका सिद्धांत, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोशिका सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा है, तो ये रहा आपका कोशिका सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा डिस्प्ले पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, वो पूछा गया है समसूत्री कोष का विभाजन। समसूत्री कोष का विभाजन का महत्व बताना है आपको। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहीं पर कंप्लीट है दूसरा क्वेश्चन। ये अगला रहा हमारा तीसरा, निषेचन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा हमारा निषेचन के ऊपर क्वेश्चन। तो निषेचन ये रहा, निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। किस किस में होती है, ये मेढक में होती है और एक और आपका होता है मछली। ठीक है फ्रेंड, मछली में कई प्रजातियां होती हैं तो अलग अलग। ये आंतरिक आंतरिक फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, यह आपका आंतरिक निषेचन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है। शरीर सही लिख लेना फ्रेंड, इसमें गलत लिखा हुआ है, तो जो त्रुटि है फ्रेंड उन्हें आप सही कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लास्टुलेशन। ठीक है फ्रेंड, ब्लास्टुलेशन के ऊपर है आपका क्वेश्चन अगला। ब्लास्टुलेशन देख लीजिए फ्रेंड, यहीं तक है आपका आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका क्लेवीज। इंग्लिश में लिखा होगा आपका फ्रेंड, लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी दिख रही होगी, यहाँ पर इंग्लिश में ये लिखा हुआ है क्लेवीज। तो क्लेवीज को भी आप देख लीजिए फ्रेंड, यही रहा आपका आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेवीज के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, ये आपको सही से दिख गया था पहले, हाँ तो ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं किसके ऊपर है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा राइबोसोम की संरचना। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप राइबोसोम की संरचना। इसके बाद ये यहाँ तक लिखने के बाद यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा ये पेज। इसके बाद लिखेंगे आप आगे, तो अगला पेज यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे आप ऊपर से, यहाँ से लिखने के बाद।